फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ऑडिटिंग के चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, अब हमारे ऑडिटर का रिमूवल कैसे होता है? तो फर्स्ट तो देख लेते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। जब उसका टर्म खत्म हो जाता है, मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग जब दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग आती है तब तक का उसका टर्म होता है। अगर वो टर्म खत्म हो जाता है तो द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। होल्ड्स ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कब तक वो हेल्ड करता है ऑफिस, कब तक काम करता है? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। द कंपनी कैन रिमूव सच ऑडिटर एट इज जनरल मीटिंग। कंपनी उस ऑडिटर को कब रिमूव कर सकते हैं? हमारे जनरल मीटिंग में उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा हो या कुछ भी गड़बड़ी दिखी हो तो। एंड कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन, और कोई भी दूसरे पर्सन को वो अपॉइंट कर सकते हैं। बट नोटिस फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सच पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन टू द मेम्बर ऑफ बिफोर 14 days ऑफ मीटिंग। लेकिन क्या होता है, नॉमिनेशन उस पर्सन को हमें ये बात बताना होता है मीटिंग के 14 days पहले हमें उस पर्सन को बताना होता है कि तुम नॉमिनेट हुए हो हमारे ऑडिटर के लिए, तुम्हें हमारे मीटिंग में अवेलेबल रहना है। इफ़ देयर इज़ नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, अगर कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है या ऑडिटर रिटायर, इसका मतलब है जो भी रिटायर ऑडिटर होते हैं उसका रीअपॉइंटमेंट कभी भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगर उसके टर्म खत्म होने से पहले हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है? द ऑडिटर अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। क्या होता है, ऐसे ऑडिटर जिनको किसने अपॉइंट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, उनको शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं कोई भी जनरल मीटिंग में। एंड अनदर पर्सन नॉमिनेटेड टू बी अपॉइंटेड इन द प्लेस फॉर विच अ स्पेशल नोटिस हैज टू बी गिवन टू देमसेल्फ्स द मेंबर्स 14 days बिफोर द मीटिंग। द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या होता है, ऐसे कोई भी ऑडिटर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया लेकिन वो शेयर होल्डर्स को अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो उसको शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं। और जो नए पर्सन को वो अपॉइंट करने वाले हैं उनको 14 days पहले वो इस बात की नोटिस देते हैं कि हाँ हाँ आप नॉमिनेट हुए हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इन अदर सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर कैन रिमूवल बाय द कंपनी बट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन। ये अगर कोई दूसरे सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब कोई भी अगर दूसरा रीज़न होता है, तो ऑडिटर किसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है? कंपनी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और आपको अगर फिर भी कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।